हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार न्यूज़, जिसमें आप लोगों को एमपी मध्य प्रदेश पीईबी के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनका जो नया कैलेंडर है वो आ चुका है। लॉकडाउन के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि 2020 में अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सरकार के पास पैसा नहीं है, उनका राजकोष खाली हो गया, ये वो तरह तरह की बातें हुई थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि जो एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट थी एग्ज़ाम्स की, और जो कैलेंडर था 2020 के एग्ज़ाम का, वो नया एग्ज़ाम आ चुका है, नया एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है। तो पूरा कैलेंडर आप लोग देखेंगे जो आज ही अपडेट हुआ है, यानी कि 11 मई 2020 को ये कैलेंडर अपडेट हुआ है। तो जो कोरोना जो अभी महामारी थी, बड़ी चल रही थी, इसके अभी इसी के चलते हुए भी इन्होंने अभी एग्ज़ाम डेट दे दी है। और ये जो एग्ज़ाम डेट है, ये आपकी मतलब इन डेटों पर अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह आने वाले हैं और इनकी डेट जून मंथ से स्टार्ट है, जो अभी मई चल रहा है ना। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय है, तो जो लोग भी इन एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं जो लोग, और जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। सभी बहुत दुखी थे, और जितने भी जो जॉब वाले थे, जो लोग गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी बोल रहे थे नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग खुद ही देखिए, पूरा टेंटेटिव कैलेंडर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने खोला हुआ है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट, और जो वर्ग 3 वगैरह की वैकेंसियाँ आई थी वो भी आप देखिए कि यहाँ पे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक इन्होंने पूरे एग्ज़ाम डेट दिए हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है, उन सब की उन्होंने डेट दी है। तो मैं पूरा आपको एक एक करके बताती हूँ, तो आप लोग पूरी एंड तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आता है प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट, जो आपका जून मंथ में होने वाला है, यानी कि जिसकी एग्ज़ाम डेट आपकी 20-21 जून 2020 है, ठीक है। तो ये है प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट, जो 10th के बाद जो स्टूडेंट है वो भर सकते हैं मध्य प्रदेश के पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए, ठीक है। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आता है मंथ जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, वो हैं प्री वेटनरी टेस्ट। ये 12th पास स्टूडेंट भर सकते हैं, जिनका बायो सब्जेक्ट रहा हो 12th में, तो वो लोग ये भर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें जो प्री वेटनरी और फिशरीज़ के कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन मिल जाता है। फिर आता है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, तो ये डिप्लोमा दही टेस्ट, ये एंट्रेंस टेस्ट है जो 4 जुलाई 2020 को, जिसकी टेंटेटिव डेट है। तो आप लोग देखेंगे प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट और दही, दोनों का ही 4 जुलाई को एग्ज़ाम डेट है ना यहाँ पर। फिर उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ये दहेज एग्ज़ाम होगा, ये भी 4 जुलाई को है। उसके बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2020, जो प्री एग्रीकल्चर का एंट्रेंस टेस्ट है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट, वो भी आपकी कितनी है, 11-12 जुलाई 2020, यानी कि आपका जुलाई मंथ में सारे एंट्रेंस टेस्ट कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे जनरल GNTST, यानी कि जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, और जो प्री नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट है, इसके जो एग्ज़ाम है वो 18-19 जुलाई 2020 को होंगे, और ये एग्रीकल्चर का 11-12 जुलाई 2020 को होगा। तो जो प्री एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो भी 12th पास हैं किसी भी फील्ड से, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, बायो से हो, मैथ से हो, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद आता है ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये भी 12th पास है, ये किसी भी ब्रांच से आपने 12th करी हो, मतलब आपका इसमें करी हो, तो आप इसे दे सकते हैं। इसमें जो ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है, ये इसमें भी डिप्लोमा आपको करवाया जाएगा नर्सिंग के फील्ड में, ये लड़कियों के लिए बस है, इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज़ आती है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो गवर्नमेंट जॉब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे थे। तो इसमें आता है ग्रुप फाइव की जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी ये ग्रुप फाइव में निकलने वाली है, जिसमें जो फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट इसमें निकलने वाली है। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जिसका 8-9 अगस्त 2020 इसकी एग्ज़ाम डेट है, यानी कि इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह हैं वो आपके जुलाई तक आ जाएंगे। अभी मतलब कि अभी मई चल रहा है, मतलब जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके इसके एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाएंगे। तो आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, जो लोग भी जिसके पास भी ये डिप्लोमा या डिग्री वगैरह इन फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद जो बिग अपडेट आती है वो है 8 नंबर पर जो एग्ज़ाम की आती है, वो है ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, जिसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे, वो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 22-23
अगस्त 2020 है, तो ये भी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाली है जो इंजीनियरिंग के फील्ड में होने वाली है। अभी इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कम्युनिकेशन, ये सारे जो स्टूडेंट हैं जो CSIT के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा है, जिनके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी अदर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पेपर वगैरह हैं सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं, और जितने भी मैंने अभी एग्जाम बताए हुए हैं आपको सारे की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलेगी, और सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद आपके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट आती है वो है यहाँ पे जो मंथ सितंबर है उसमें कौन से टेस्ट होंगे। तो सितंबर मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये टेस्ट जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 से 8 सितंबर 2020 तक है। तो 5 से 8 सितंबर 2020 तक इसके एग्ज़ाम होंगे, और ये सबसे बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास जो CPCT डिप्लोमा हो और कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा वो कंप्लीट करे हों, और जो यानी कि जो लोग जो ITI वगैरह से जो कोपा वगैरह किए हों, और जो लोग इसमें जितनी भी टेस्ट की वैकेंसी निकलती हैं वो हाई कोर्ट वगैरह में जैसे जो टाइपेस्ट वगैरह होते हैं और उनके लिए है ये सारी वैकेंसी इसमें निकलती हैं। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई थी, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं। ये सामूहिक टेस्ट है तो इसमें तीन चार प्रकार की पोस्ट वगैरह हैं, तो उसमें अलग अलग फील्ड में वैकेंसी निकलती हैं, और अलग अलग जो डिप्लोमा भी मांगा जाता है इसमें स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह और जो शॉर्ट हैंड वगैरह सीखे हुए हैं ये उनके लिए है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो वैकेंसी अभी निकालने वाली है, और इसके लिए भी आपके पास 3 महीने ही अभी बचे हुए हैं, सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त है। सितंबर में तो आपका पेपर है, तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं सब लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तेज़ी से, है ना। अब आता है 10th नंबर की आपकी जो वैकेंसी है वो निकल कर आती है इसमें, वो है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप देख रहे थे कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट MP TET वर्ग 3 की जो वैकेंसी थी ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट है। तो आप लोग देखते हैं कि इसका जो फॉर्म थे वो भर चुके थे वर्ग 3 के, और अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे 19 सितंबर निकल कर आ रही है, तो सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये जो इसकी एग्ज़ाम डेट थी ये 25 अप्रैल से शुरू होने वाला था ये टेस्ट, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो टेस्ट था वो कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गई थी एग्ज़ाम डेट। तो अभी इसकी जो नई एग्ज़ाम डेट आई है वो 19 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। अब जो मंथ अक्टूबर है ये लास्ट, मतलब कि 2020 के लिए लास्ट वैकेंसी जो आएगी वो है मंथ अक्टूबर में, और ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है इंजीनियरिंग के फील्ड वालों के लिए जो पॉलीटेक्निक वगैरह ITI डिप्लोमा करे हैं और BE BTEC वगैरह करे हुए हैं उनके लिए, जिसमें है कौशल विकास संचालनालय की ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 में जो निकलने वाली है, जिसमें कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट ये भी है जो जिसकी एग्ज़ाम डेट 17 से 20 अक्टूबर 2020 है। तो आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। सब लोग सोच रहे थे कि 2020 सबसे बेकार साल होने वाला है, इस बार एक भी वैकेंसी नहीं आने वाली, 2019 की तरह 2020 भी जीरो ईयर जाने वाला है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ के जाने के बाद जैसे ही शिवराज सिंह ने पदभार संभाला है तो तुरंत उन्होंने देखी वैकेंसी कितनी तेज़ी से दे दी हैं, और सारे जो एग्ज़ाम टेस्ट हैं वो भी वो करवाने वाले हैं, इतनी बड़ी महामारी के बाद भी ये टेस्ट करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो आपने देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।